और आज देखो कौन आया हमारे साथ। तो इस बार ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है भाई एयरपोर्ट से, तो वहाँ कुछ छूट नहीं गया, घर निकल गए, रास्तों पे भटक रहे। देखो यार इशू ये है, यहाँ पे सिर्फ पावर अवेलेबल था जो कि भाई 110 रुपए लीटर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल विद आरआर। और आज देखो कौन आया हमारे साथ, सुरजीत भाई। वन सेकेंड ट्रैवल पार्टनर मिल चुका है हमारा। और इस बार व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है भाई एयरपोर्ट से, क्योंकि इंटरनेशनल नहीं जा रहे हैं। हाँ, इंटरनेशनल नहीं जा रहे भाई लोग, अभी नहीं, अभी तो पैसे की अभी टाइम है, हाँ। इतना चैनल बना नहीं तो भाई हम लोग वापस जा रहे हैं ले, इस सीजन का लास्ट ट्रिप टूवर्ड्स ले, राइट। इस साल हम दो बार हो चुके हैं, तीसरी बार हमारा, हाँ, मतलब तो लिए सीजन का आखिरी है। अभी हम जा रहे हैं ले और फिलहाल अभी ऊपर आ गए भाई कुछ खाने के लिए, टाइम हो रहा है सुबह के 5। और सुरजीत भाई भूख लगी है? अरे बहुत लगी है, लाउंज के नाम से भूख लग रही है। सुरजीत भाई लाउंज के नाम का है तो बहुत भूख लग रही है इसे। मैं भी यार रात के कुछ 12 बजे खाया था, उसके बाद से कुछ खाया नहीं, तो बस अभी जा रहे हैं अपन कुछ खाने पीने। अपनी फ्लाइट है सुबह 7 बजे की एंड 8:30 ले, तो बस लाउंज में चलते हैं एंड वहाँ आपसे बात से जाग रहे हैं। हाँ भाई, तभी रात भर से जगे पड़े, ये भी जगह है, मैं भी जगह हूँ। फर्स्ट टाइम हम ले जा रहे हैं फ्लाइट से, वरना एक बार बाइक से गए, एक बार गाड़ी से गए और अब इस बार फ्लाइट से, तो तीनों मोड हो गए। अब तो कुछ और मोड बचा है भाई ट्रैवल के लिए, सारे कवर हो गए, अब अपना चॉपर लेके जाएंगे। चलो भाई लाउंज आ गया, अंदर मिलते हैं। गाइस बहुत सारा खाने पे बैठ चुके हैं, मेरा देखो पाव भाजी, डाइट कोक और भाई दिखाता हूँ, ये रहा चिकन सॉसेज, पाव भाजी एंड पाइनएप्पल। सुरजीत भाई ने भी इतने ही ज़रा ले रखा है। सुरजीत क्या कहते हो? डाइट कोक, इतना अनहेल्दी खाने का डाइट कोक साथ में, पाइनएप्पल भी लिया भाई फ्रूट्स में। तो भाई अपनी बोर्डिंग में अभी 1 घंटा बचा है, तो ₹2 कुछ नहीं आता, ₹2 खास बात, मेरे इतने कार्डों में से एक कार्ड चल गया। सुरजीत भाई का कार्ड चल गया फिलहाल। एक कार्ड, 4 में से 1 चला है, पहली बार अपने कार्ड से खा रहा हूँ। तो भाई लोग जल्दी से खाना ख़त्म करते हैं, आगे मिलते हैं। कहाँ गए भाई सुरजीत भाई, किधर हो? अरे इधर आ जाओ यार, एक साइड आ जाओ। भाई लोग ठूस कर सुरजीत और मैं निकल चुके हैं अपने गेट की तरफ। भाई गेट भी बहुत दूर है, ले की फ्लाइट है तो गेट भी, गेट नंबर 54 है, लास्ट से दो गेट पहले। साइड हो जा। सुरजीत कह रहा गाड़ी पे जाएंगे, मैं बोला नहीं वॉक करेंगे। मैं सुरजीत, नींद आ रही है? नहीं नींद नहीं आ रही। भाई गेट पे पहुंच गए, बात करते हैं। भाई बोर्डिंग शुरू हो गई यार, ये जब तक मूत कर आया बोर्डिंग शुरू हो गई। बोर्डिंग शुरू हो गई भाई, बस फ्लाइट के अंदर जा रहे हैं अपने गियर्स के साथ भाई। नए नॉर्म्स आए हैं फ्लाइट में, अब हेलमेट पहनना जरूरी है, है ना सुरजीत? हाँ। सुरजीत भाई आज मेरा सपना पूरा हो गया, नहीं देख रहा हूँ। कौन सा सपना? रास्ते में बीच वाली सीट पर बैठना, अगर पूरा हो गया तो उठा सकता है। लोगों का सपना होता है विंडो, भाई का सपना होता है बीच में बैठना। आज देखो का साइड वाला बोले कि सर भाई आप जाइए, आप बहन जो भी भाई बोर्डिंग करके अपन बैठ गए और अभी आई थिंक 30 मिनट्स हैं बिफोर द फ्लाइट टेक्स ऑफ, सो अभी ईंधन भरा जा रहा है ताकि हम ले पहुंच जाए सुरक्षित। गलती से अगर ये पेट्रोल पे चलता हो, डीजल भर दिया तो क्या रास्ते में कहां चेंज? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। इसमें इथेनॉल मिलता है? गाइस सुबह के 7 बजने वाले हैं, 7 बज गए क्या भाई? हा? नहीं अभी सुबह के 6:30 हो रहे हैं, 6:30। 7 बजे हमारी टेक ऑफ है और 8:30 पे लैंडिंग है, 1.5 घंटे की फ्लाइट है। सोचो पूछो पायलट के पास चलते हैं पूछने को।
अभी तक फ्लाइट खाली है यार ज्यादा। राइट, वैसे भी फुल हो ही नहीं है, आई थिंक खाली है ज्यादा। हमें सीट मिल गई क्योंकि हम गए थे एयरपोर्ट काउंटर पे, उनसे रिक्वेस्ट किया तो विंडो सीट मिल गई भाई, क्योंकि हमें यहाँ साइन हुई थी। मेरी तो 26 सी थी, भाई की 14 बी थी, बीच वाली सीट मेरी तो पीछे आयल सीट थी, तो भाई को अब मिला है 8 सी और मुझे 8 ए। और भाई बाहर का नज़ारा दिखा, ये वहाँ पे देखो भाई, उधर भी विस्तारा लगी हुई है और सुबह का सनराइज हो चुका है। About to enter, I think, लद्दाख का टेरिटरी, क्योंकि यहाँ देखो ये अपना हिमाचल एंड हो रहा है शायद, और ये देखो यार पूरा ही स्नो है इधर भर भर के, तो हिमाचल का बॉर्डर आई थिंक वी आर क्रॉसिंग। पूरा ही फ्रेश स्नो है ऊपर यार इधर। गाइज वी जस्ट स्पॉटेड समथिंग, मैं भी आपको दिखाता हूँ यार। ऊपर से भाई हमें दिख चुका है भाई मोरे प्लेन्स, चेक आउट दिस यार। बीच में आप देख रहे हो दसनाथ रिवर, वो पूरा रास्ता है मोरे प्लेन्स का, विच इज़ लाइक 35 किलोमीटर्स है। ये पूरा पूरा प्लेन एरिया है, ये प्लाटू एरिया है ना, बहुत ही फेमस रास्ता है ये। अगर आप मनाली टू ले या ले टू मनाली जब जाओगे, इसी रास्ते से जाओगे यार, इट्स अमेजिंग यार। Past 8, very well early today, and on behalf of all the crew on board, we thank you for choosing to fly with us and look forward to flying again in the near future. Guys, we have reached Ladakh, Leh city, sorry. Airport पे filming allowed नहीं है भाई, तो वहाँ कुछ shoot नहीं किया, बाहर निकल गए, रास्तों पे भटक रहे हैं। देखो यार, हमारा होम से यहाँ से मात्र 700 मीटर की दूरी पे, तो सोचा कि वॉक ही कर लेते हैं। भाई मैं 10 मिनट से सुन रहा हूँ 700 मीटर। भाई जरा ब्लाउज ऊपर कर दोगे मेरा? ब्लाउज ये रहा ना। अच्छा, थैंक यू। तो भाई चले जा रहे हैं हम, अब शायद 600 मीटर बचा होगा, है ना सोजी? 600 मीटर में पहुंच जाएंगे। क्या कहते हो? बिल्कुल जी। बस फिर गिर गया यार मेरा ये, इसको उठा दो। चलो भाई आगे मिलते हैं थोड़ा आपसे आगे। हम पहुंच चुके अपने होम स्टे पे भाई, दिस इज गोवा होम स्टे भाई। यहाँ पे हम हमेशा यहीं रुकते हैं, और अंदर दिखाता हूँ मैं भी आपको चल के। वो देखो लाल लाल एप्पल, क्या कहते हो सुरजीत, खाओगे? अरे मैं जाते तोड़ूंगा। हैं, खोलो फिर दरवाजा, उद्घाटन करो। नहीं भाई, सबसे पहले आएगा भी देखना कौन दिखाता हो। नहीं ये देखो यार कितने प्यारे प्यारे एप्पल, अभी बस अंदर घुस रहे हम। भौंकना शुरू हो चुका है, स्नो ही नाम है भाई, खतरनाक सा है वो देखो अंदर है वहाँ पे भाई। बेस्ट है ये देखो यार, कितने प्यारे एप्पल्स हैं। ये देखो भाई, रूम में आते ही अपने आप को निहारना शुरू कर दिया भाई ने शीशे में। भाई इस बार अपना बालकोनी वाला रूम नहीं मिला, वहाँ पे भी कुछ लोग ऑलरेडी गेस्ट हैं पहले से, तो हमें ये वाला रूम मिला है। ऑलमोस्ट सेम ही है जो पहले की तरह था भाई। बस कर कितना शीशे में देखेगा, इसमें बालकनी नहीं है भाई। और इधर से व्यू देखो यार, इधर भी किसी का घर है, पीछे गार्डन एरिया, रूम एज यूजुअल काफ़ी अच्छा है इनका यार, होम स्टे बहुत ही अच्छा है। देखो तो बेड वेड प्रॉपर है, अपने को टॉवल मिल जाता है, तो नाचना बंद कर यार। और ये देखो भाई, वॉशरूम इनका काफ़ी बड़ा और साफ सुथरा वॉशरूम है, बहुत ही क्लीन है, तो आप यहाँ पर आ सकते हो। इट्स वेरी क्लोज टू द एयरपोर्ट, मैं बोल रहा हूँ ना, वॉक करके आ गए, 700 मीटर ही था, तो हम वॉकिंग करके आ गए। तो अभी प्लान ये है, क्या प्लान है सुरजीत? लेट गया भाई, मुझे तो नींद नहीं आ रही। देखो भाई पहले लेट चुका है, मुझे तो भूख लगने लगी यार, पता नहीं क्यों। तुझे भूख लग रही है? लग रही है ना, जबकि साले इतना ठूसा था हमने लाउंज, फिर भी भूख लगने लगी, पता नहीं क्यों। हाई एल्टीट्यूड पानी में भूख लगती है क्या? पता नहीं, लग रहा लाउंज में लाउंज में, यहाँ के लाउंज में चले लेके लाने।
तो एक बाइक खड़ी, भाई बाइक उठा के चल सकते हैं यहाँ पे। मैंने देखा बड़ा प्यारा सा छोटू सा रेस्टोरेंट है जहाँ समोसे मिलते हैं, अरे गर्मा गर्म। तो भाई देखते हैं आकर खा के आई थिंक रेस्ट करेंगे, एंड आज गुरुद्वारे जाना है भाई मुझे, तो उधर जाएंगे हम। ठीक है गाइज, अपने पेट्रोल डला के अपन जा रहे हैं ले मार्केट की साइड। भाई लोग इशू ये है यहाँ पे सिर्फ पावर अवेलेबल था जो कि भाई 110 रुपए लीटर, तो मैंने अभी बस मात्र डाला है 2 लीटर के करीब ही डाला, ज़्यादा नहीं डाला इसमें। और ये अपना एयरपोर्ट एरिया आते हुए भाई आगे, दिस इज एयरपोर्ट। ठंड अच्छी है यहाँ पे, अभी कमरे में तो और ज्यादा ही लग रही थी। ये पूरा हमने अभी एरिया सुबह वॉक किया है जो आप देख रहे हो। अभी फ़िलहाल अपन जा रहे हैं ले मार्केट की साइड, क्योंकि 2-3 चीज़ें लेनी है वो ले लेंगे अपन, एंड कुछ खा लेंगे। उसके बाद आई थिंक अगर टाइम बच गया, टाइम परमिट्स, वी कैन गो टू गुरुद्वारा, पर आई एम लिटिल लेस होपफुल कि हम जा पाएंगे, क्योंकि हम आने का सो गया यार, सोना ज़रूरी था। गाइस हम आ गए थे लेम के मेन मार्केट में, और इस वक्त हम अपने फेवरेट कैफे में बैठे भाई, लेवांदा कैफे। और भाई एज यूजुअल ये लौंडा वाला बिजी चल रहा है फोन पे। हैं बिजी हो फोन पे? ऑफिस का वर्क कर रहा हूँ। ऑफिस का कौन सा वर्क? दिखा दे। इधर नहीं कि कौन सा वर्क वाला और वीडियोस देख रहा है। क्या कुछ नहीं, आई एम बिजी, आई एम सो बिजी। इतने बिजी है खा के? बिजी है भाई, देखो भाई की कॉफी मिल गई, थैंक यू भाई की कॉफी आ गई। भाई का रैप भी पड़ा है, भाई पास्ता भी खा चुका है, और भाई हॉट कॉफी भी पी चुका है। और कुछ कुछ है भाई, गर्म ठंडा सब कुछ कर गए हैं। और अगला प्लान कहाँ है यहाँ से जाने का? लंदन, एक प्लान लंदन, ले घूम लेते हैं। अभी कहाँ जा रहे हैं आगे? देखते हैं, पता नहीं है। सो भाई ये अपना ले का फेमस मार्केट, और अभी बैठे बैठे हमने कैफ़े में डिसाइड किया कि भाई अब तो गुरुद्वारा नहीं जा सकते क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है, और सोचा कि क्यों ना अब घर चलते हैं और थोड़ा रेस्ट करते हैं, क्योंकि कल से बहुत हेक्टिक दिन होने वाला है भाई। कल फुल डे बाइक चलानी है हमें, तो आज अपने बॉडी को थोड़ा एक्लेमेटाइज करते हैं, रेस्ट करते हैं, एंड प्रॉब्ली अब मैं आपको शायद मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।